Hello everyone, welcome to EduChance. Today we'll start another unit that is sociology. So today we'll discuss about relation between education and sociology, social change theories, and as well as some of the factors how education plays an important role in social change. So चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन के बीच में. उससे पहले भी हम जानेंगे सोशियोलॉजी क्या है, इसका क्या अध्ययन है. देखिए ये जो यूनिट है ना, इससे जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इसका क्वेश्चन वैरायटी फॉर्म में आता है, सो यू हैव टू नो द बेसिक्स फर्स्ट. सभी कहते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है किस तरीके से. तो सबसे पहले ये याद रखिए कि हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा ये एक यूनिट हमने पढ़ रखा है, इट इज वेरी सिंपल एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द यूनिट, सो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लग सकता है. लेकिन नो, सोशियोलॉजी से जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली नहीं पूछता है. ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं इट इज समटाइम्स फ्रॉम योर फाउंडेशंस, फ्रॉम योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स. तो पहले से आपका बेसिक जितना भी क्लियर हो, जो भी कहते हैं ना, जो भी बड़ा बड़ा प्लेयर है ना वो डेली प्रैक्टिस करते हैं बेसिक चीजें. जब बेसिक्स पर प्रैक्टिस करोगे तभी आपका मास्टरी हासिल हो सकता है. तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. मिताली सिंह, ऑडियो इज नॉट क्लियर, इज माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? बाकी सबको क्लियर है क्या? ओके गुड, ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, चेक कर लीजिएगा एक बार मिताली. ठीक है, ओके. नाउ सी, द वर्ड सोशियोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वेल नोन फ्रेंच फिलोसोफर, इनको कौन नहीं जानता, ऑगस्ट कॉम्टे, इन हिज लेक्चर इन 1837. 1837 में सबसे पहली बार उनके लेक्चर में उन्होंने सोशियोलॉजी का शब्द जो है वो प्रयोग किया था. Thus, he is considered as the father of sociology. इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, देखिए जिनको भी हम फादर मानते हैं, या तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, या तो वो सबसे पहले इस वर्ड को प्रयोग किए होंगे. तो इनमें से इनका दोनों ही है, इन्होंने वर्ड भी फर्स्ट यूज किया था और इन्होंने बहुत काम भी किया है इस फील्ड में. ही कॉइंड द वर्ड सोशियोलॉजी बाय कंबाइनिंग द ग्रीक वर्ड सोसाइटस मीन्स सोसाइटी एंड लैटिन वर्ड ग्लोगस मीन्स साइंस और स्टडी. यानी कि सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी के बारे में अध्ययन करना होता है सोशियोलॉजी. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द फंडामेंटल साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल. सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अध्ययन करना, और ये एक फंडामेंटल साइंस है, मतलब कि एक बेसिक सा विज्ञान है जो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करता है ताकि वो सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी कर पाए, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट कर पाए और उसको सोल्यूशन भी दे. क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे सोशल चेंज के बारे में, सोशल चेंज भी एक प्रकार का सोशल मतलब सोसाइटल मूवमेंट ही है. और उसमें क्या होता है, जो रिलेशंस होते हैं या तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं या तो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स आता है जैसे सोसाइटल इविल्स होता है, उसको या तो हम इरेडिकेट करते हैं या तो कोई नया एक सोसाइटल नॉर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशियोलॉजी. अब हम चलेंगे डेफिनेशन की ओर. थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. देखिए सोशियोलॉजी और फिलोसफी, इन दोनों से आप डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. बोथ द एग्जामिनेशन, मैं कर रहा हूँ पीजीटी और लेक्चरर दोनों के ही क्वेश्चन में आप देखिएगा, एक तो लर्निंग पूछ सकता है, लर्निंग का डेफिनेशन, दूसरा है फिलोसफी का डेफिनेशन, तीसरा है आपका सोशियोलॉजी का डेफिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभार साइकोलॉजी से भी पूछता है, बहुत रेयर, लेकिन सबसे ज्यादा जो आते हैं वो लर्निंग, एजुकेशन और सोशियोलॉजी से आते हैं. तो डेफिनेशन हमेशा पढ़ के जाना, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. जैसे कि मैक्स वेबर, इन्होंने कहा सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. सोशियोलॉजी वो विज्ञान है जो कोशिश करता है कि सोशल एक्शन यानी सोसाइटी में जो सारे एक्शन चल रहे हैं, सोसाइटी में जो कुछ भी काम चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, उसको इंटरप्रेट करें और इसको समझें. ठीक है, टालकट पार्सन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सोशियोलॉजी में. इन्होंने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन होता है सोशियोलॉजी. ठीक है, किम्बल यॉन्ग, इन्होंने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स. हम जब ग्रुप में रहते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, उसको अध्ययन करना कहते हैं सोशियोलॉजी. ठीक,
अब देखिए एडुकेशनल सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी हो गया, अब चलते हैं एडुकेशनल सोशियोलॉजी। हमें पता है कोई भी मतलब फील्ड हो, कोई सा भी डिसिप्लिन हो, अगर उसका प्रिंसिपल हमारे एडुकेशन के फील्ड में अप्लाई होता है तो वो एडुकेशनल बन जाता है। जैसे कि एडुकेशनल साइकोलॉजी, एडुकेशनल फिलोसफी, जो भी चीजें हैं, या फिर आप इकोनॉमिक्स कह लीजिए, मैनेजमेंट कह लीजिए, जब उस फील्ड का प्रिंसिपल हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, मेक इट मोर अचीवेबल, तो इसको हम लोग एजुकेशनल से जोड़ देते हैं, जैसे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसमें क्या करेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ सिंथेसिस बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी बना। ई जॉर्ज पेन, जॉर्ज ई पेन, कहाँ पे ई जॉर्ज पेन लिखा जाता है, कहाँ पे जॉर्ज ई पेन लिखा जाता है, जो भी है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर है ई जॉर्ज पेन। अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द अप्लाइड साइंस इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है सोशियोलॉजी का, जो कि एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी, आपको पता है एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये बड़ा सा समाज है, इसमें एक छोटा सा पार्ट एजुकेशन है। वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, टीचर इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लर्नर इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सभी हमारे सोसाइटी के पार्ट्स हैं। वी आर इंटर रिलेटेड एंड वी आर इन्वॉल्व इन द सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इसका मतलब है कि जो सोसाइटी में चेंज लाना है तो हमें एजुकेशन के थ्रू जाना पड़ता है। इसलिए जो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम एडुकेशन के फील्ड में अप्लाई करते हैं, सो दैट एडुकेशन कैन ब्रिंग सोसाइटल चेंजेस। ठीक है, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ एडुकेशनल प्रोग्राम्स इन डिफरेंट एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओके ठीक है गोपाल, ठीक है ओके। नाउ सी, आज बारिश हुई है तो शायद किसी किसी को नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ज्यादा होता है तो मुझे बता दीजिए, सो दैट वी कैन मेक अ सेपरेट प्लान। ठीक है, देखिए सोशियोलॉजी में क्या था कि सोसाइटी को अध्ययन करता है, इट इज अ साइंस विच स्टडीज द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यहाँ पे वही चीज है लेकिन एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। उस सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम एजुकेशन पे अप्लाई करेंगे ताकि हम अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उसको इंप्रूव कर सके। देखिए एजुकेशन का जो भी चीजें हम करते हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जो भी हम पढ़ते हैं, वी जस्ट वॉन्ट टू इंप्रूव द एजुकेशनल सिस्टम। दैट इज वाई वी आर इंटर रिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग मेनी स्टडीज इन टू एजुकेशन। नहीं तो फिर एजुकेशन उतना फील्ड क्यों लाता, सिर्फ एजुकेशन पढ़ता क्यों, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे कुछ डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन मैंने कहा था सोशियोलॉजी से पूछा जाएगा, इसका मतलब है सिर्फ सोशियोलॉजी का पूछा सकता है, या तो एडुकेशनल सोशियोलॉजी का पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर एडुकेशनल सोशियोलॉजी पूछता है, जॉर्ज ई पेन जो कि इसके फादर है, इन्होंने कहा एडुकेशनल सोशियोलॉजी इज अ साइंस which describes and explains the institutions, social groups and social processes or social concerns, that is the social relationship which or through which the individual gains and organizes his or her experiences। इन्होंने कहा जो ये educational sociology होता है, ये भी एक विज्ञान ही होता है, यानी कि ये भी एक साइंस होता है, जो कि क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, कि सारे जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोशल प्रोसेसेस होते हैं, सोशल कंसर्न यानी सोसाइटल इश्यूज होते हैं, और सोशल रिलेशनशिप होते हैं थ्रू विच इंडिविजुअल गेन्स और ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस। यानी कहीं से भी अगर हमें सोसाइटी के थ्रू, मान लीजिए आप डायरेक्टली सोसाइटी से गेन कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कि या तो सोसाइटी आपको सिखा रहा है, सोसाइटी मतलब आप ही के चारों ओर जो भी आप देख रहे हो वो आपका सोसाइटी है। ठीक है, जैसे कि आपके सीनियर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके पीयर हो गए, आपके मेंटर हो गए, आपके टीचर हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, कहीं से भी हम सीख रहे हैं, दैट इज सोसाइटी। एंड वी लर्न मेनी थिंग्स, वी गेन मेनी थिंग्स, एंड वी ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस, वी मॉडिफाई आवर एक्सपीरियंस थ्रू द सोसाइटी। सो ये सारे वो चीजें स्टडी करता है, वो सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है, और वो सारे चीजों को वो डिफाइन करता है थ्रू विच इंडिविजुअल गेन्स और ऑर्गेनाइजेस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, आप, हमें पता है कि फॉर्मल तरीके से
नॉन फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से हम लर्न करते हैं, ठीक है। बट ऑल दिस प्रोसेस कम्स थ्रू सोसाइटी, क्योंकि अगर आप फॉर्मल स्कूलिंग करोगे दैट इज सोसाइटी, इनफॉर्मली भी पढ़ोगे दैट इज ऑल अबाउट सोसाइटी और द मॉडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, एंड नॉन फॉर्मली करोगे तो भी सोसाइटी। यानी कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि एडुकेशनल सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, वो सारे चीजों को स्टडी कर रहा है, वेदर इट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज सोशल ग्रुप, वेदर इट इज सोशल प्रोसेस, सोशल कंसर्न, ये सारे चीजों को स्टडी करता है, ठीक है। नाउ ओटोवे, ओटोवे ने कहा एडुकेशनल सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एडुकेशन एंड सोसाइटी। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करता है। रॉबिन्सन स्मिथ ने कहा एडुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू स्टडी एजुकेशन। एजुकेशन सोशियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं और मेथड ऑफ यानी आई मीन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड एज वेल एज सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन स्टडी एजुकेशन, वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे चलेंगे, नीड ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, नीड क्या है सोशियोलॉजी, मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्यों जरूरी है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने सारे प्रॉब्लम्स है या फिर सोशल प्रोसेस है उसको अध्ययन करना। जैसे कि आपको पता है कहा जाता है स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, यानी कि एक छोटा सा सोसाइटी है स्कूल, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, इसमें भी टॉलरेंस, पीस, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, ठीक है, टॉलरेंस, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। सो यू हैव टू डेवलप सम स्किल्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। दैट इज व्हाई एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करता है, इट स्टडीज द सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इट इज नीडेड टू फोस्टर सोशल एटीट्यूड अमॉन्ग द पीपल थ्रू एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशनशिप। देखिएगा एजुकेशन हमें इंसान बनाता है जानवर से, मतलब कहते हैं ना कि वी आर ऑल्सो एनिमल्स। तो सोसाइटी में आपको अगर रहना है यू हैव टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम बींग एन एनिमल टू अ सोशल ह्यूमन बींग, ठीक है। वो जो एटीट्यूड आता है कहते हैं ना कि रैशनलिटी आपके अंदर है, दैट इज वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। क्योंकि खाना पीना वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी जीते हैं, वो भी मरते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन वी हैव सम काइंड ऑफ यू नो रैशनलिटी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन, ठीक है। मानसी स्क्रीन विजिबल नहीं है, शायद नेटवर्क एरर होगा। मैं पूछना चाहूंगा बाकी सबको क्या मेरा विजिबल है स्क्रीन एज वेल एज साउंड, दोनों विजिबल एंड ऑडिबल है। यस, बाकी सबको क्लियर है, एक बार मानसी फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, वी वॉन्ट टू फोस्टर सोशल एटीट्यूड अमॉन्ग पीपल। अब ये सोशल एटीट्यूड फोस्टर क्या करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू चेंज सम ट्रेडिशन और इविल्स इविल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द सोसाइटी, देन वी हैव टू चेंज एटीट्यूड। हाउ, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, इसके बारे में पता नहीं कितने सारे सोशल एक्शन हो चुके हैं, अवेयरनेस हो चुका है, नेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मतलब कितना कुछ हम लोग फोस्टर नहीं कर रहे हैं लोगों के अंदर, ताकि आज भी राजस्थान हरियाणा जैसे मतलब स्टेट्स में जो उनका जेंडर रेशियो है तो उसको कम करा जा सकता है या तो उसको इक्वलाइज करा जा सकता है। तो इसलिए हमें सोशल एटीट्यूड में अगर बदलाव लाना है दैट इज थ्रू एजुकेशन। अगर हमें ह्यूमन रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन, ठीक है, गाजा वाला अटैक, मतलब जो भी आप देखोगे ये सारे ह्यूमन रिलेशनशिप को और भी तहस नहस कर रहा है। तो वी शुड स्प्रेड पीस, वी शुड स्प्रेड फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड थ्रू एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा द एसेंस ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ, देन वी विल ट्राई टू मेंटेन पीस अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट एवरीवन कैन फ्रीली लिव इन दिस वर्ल्ड एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था आपको पता होगा कि एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, हमें चेंज करना है वर्ल्ड को। अगर वर्ल्ड को चेंज करना है तो सोसाइटी को तो चेंज करना है, क्योंकि सोसाइटी चेंज होगा तभी तो वर्ल्ड चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट है, एजुकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एट द माइक्रो लेवल विच विल हेल्प इट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एट द मैक्रो लेवल। एजुकेशन सोसाइटी के माइक्रो लेवल पर बैठा हुआ है, ठीक है। माइक्रो लेवल यानी मैंने कहा था स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, एक छोटा सा सोसाइटी है, और
ये एक छोटा सा समाज अपने में बनाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो बेसिकली, तो देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट रीजियन से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रिलीजियन से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइवर्स बैकग्राउंड से, यानी डाइवर्सिटी उनमें होता है, फिर भी वो एक छत के नीचे एक ही टीचर से एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इससे क्या मतलब सीख मिलती है? इससे ये मिलता है कि वो लोग अपने में डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, सिमिलरिटी देख रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेके जाते हैं। सो इट इरेडिकेट्स ऑल द इवल्स प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सोसाइटल आवर्स, यानी कि जो भी चीजें सोसाइटी में चल रहा है, ये सारी चीजों को ये हटाने की कोशिश करता है। तो एडुकेशन क्या करेगा, जितने सारे माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम है उसको वो समझेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, सो दैट इट विल हेल्प सोसाइटी और सोसाइटल मेंबर्स और एजुकेशनल थिंकर्स टू चेंज द सोसाइटी एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है इट दे बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी एजुकेशन एज वेल एज सोशियोलॉजी दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों ही रिलेटेड हैं और दोनों ही इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि एजुकेशन और सोसाइटी, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो सोसाइटी अच्छा नहीं होगा, और अगर सोसाइटी अच्छा नहीं होगा तो एजुकेशन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द प्रोग्रेस ऑफ कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंटली कल्चर, क्योंकि कहते हैं ना कि कल्चर इज आवर मिरर, कल्चर हमारा मिरर है, इसी से हमारा पहचान बनता है। तो कल्चर को प्रिजर्व करना, प्रोग्रेस कराना, मतलब आगे बढ़ाना, ये सब कुछ एजुकेशन का काम होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी डायरेक्टली, कि यही जो हमारा टॉपिक है कि क्या है रिलेशन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के बीच में। तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज एन इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ एनी सोशल सिस्टम। सोशियोलॉजी समाज का विज्ञान है, जो कि विज्ञान अध्ययन मतलब समाज को अध्ययन करता है वैज्ञानिक प्रक्रिया से, लेकिन एजुकेशन क्या है? कोई भी सोशल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम यानी फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है, आप कास्टिज्म देख लीजिए, सोशल चेंज देख लीजिए, कल्चरल लैग देख लीजिए, कोई भी चीज आप सोसाइटी में देख रहे हो उसका इम्प्लिसिट एस्पेक्ट यानी कि एक कंपलसरी पार्ट होता है एजुकेशन, क्योंकि वो या तो एजुकेशन से इन्फ्लुएंस हुआ है या तो एजुकेशन उसने मतलब एजुकेशन से वो इरेडिकेट हुआ है, जैसे कि सती प्रथा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम हमारे एजुकेशन के थ्रू चेंज हो रहा है, जैसे कि कास्टिज्म, रेसिज्म, यानी कि मतलब अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए, या तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेंगू, मलेरिया, यानी बहुत सारे ऐसे बीमारियां जो कि कोविड को हमने हटा दिया बस एजुकेशन के थ्रू, मतलब कि एजुकेशन और डेफिनेटली आपको अवेयर कराता है, आपको बताता है कि वो बीमारी क्या है, हाउ टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ। इससे क्या हो गया, लोगों को सीख मिली कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए सभी इलिटरेट होते, एडुकेशन नहीं पहुंच पाता, तो उन्हें नहीं पता होता कि ये बीमारी क्या है। ठीक, सो दिस इज वॉट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम, वेल एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी सोशल सिस्टम। सोशियोलॉजी हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन। और एक चीज है, एग्जाम में भी पूछा गया था सोशल चेंज के बारे में, व्हाट इज सोशल चेंज, सोशल चेंज इज द चेंज इन सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। याद रखिएगा, सोसाइटी के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो रहा है, दैट इज सोशल चेंज। अब जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज हो रहा है उसको सोशियोलॉजी अध्ययन करता है, और एजुकेशन बस इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब कि छोटा सा मोमेंट, जैसे मैंने कहा वो सारे स्ट्रक्चर को, सारे फंक्शन को स्टडी करता है सोसाइटी का, तो उस सोसाइटी का एक छोटा सा फंक्शन है एजुकेशन। द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशलाइज्ड इंडिविजुअल, हम चाहते हैं सोशलाइज्ड इंडिविजुअल बनाना, यानी ऐसे इंडिविजुअल बनाएंगे जो सामाजिक हो, जैसे कहते हैं ना हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, इसका मतलब ये होता है कि वी आर व्हाट, वी आर ह्यूमन बींग्स बट वी आर सिविलाइज्ड सोशल बींग, सोशल बींग मतलब जो समाज में रहने लायक होते हैं, कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को समाज में रहना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसा जो बिहेव करते हैं, जो कि ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनमें कोई सामाजिक गुण है ही नहीं, तो दैट इज वाई इट्स कंसर्न इज टू प्रोड्यूस सम सोशलाइज्ड इंडिविजुअल हु रियली हैज सम कंसर्न अबाउट द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोसाइटी ने पढ़ाया, बढ़ाया, बढ़ावा दिया, इंसान करके खड़ा किया, कल जब आप जॉब करोगे या फिर कल जब पोजीशन पे खड़े हो जाओगे, तो सोसाइटी के बारे में आप कुछ भी नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, सो यू आर नॉट एट ऑल ए सोशलाइज्ड इंडिविजुअल। ठीक है,
हाँ वो भी बताऊंगा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी फॉर एजुकेशन। देखिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है, अब सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या हो गया, जब हम लोग मतलब कि सोशियोलॉजी का, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोशियोलॉजी का कुछ प्रिंसिपल्स है, इसको हम जब एडुकेशन पे अप्लाई करते हैं, इसके प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एडुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे एडुकेशनल बस जोड़ दीजिए, जब प्रिंसिपल को अप्लाई कर। अब जब एजुकेशन के फील्ड पे, क्या कह रहा हूं मैं याद रखिएगा, एजुकेशन के फील्ड में जो सोशल रिलेशनशिप है या फिर सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसको क्या करना, स्टडी करना। अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एजुकेशन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्लियर है सबको? क्लियर है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एजुकेशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशनल सेटअप, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन किसका, सोशियोलॉजी किसका, एजुकेशन का सोशियोलॉजी। तो एजुकेशन का सोशियोलॉजी मतलब एजुकेशन में होने वाले सोशल प्रोसेस को जो अध्ययन करता है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन होता है। जब सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई होता है एजुकेशन के फील्ड में, क्यों, क्योंकि हम एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको कहते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो। गुड, बाकी हाँ ओके, यही दो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ओके नाउ यहां पे मैंने क्या कहा कि हमें सोशलाइज इंडिविजुअल बनाना है, एजुकेशन इज द मींस फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अभी मैंने कहा नेल्सन मंडेला जी कहते थे कि एजुकेशन इज द वेपन थ्रू विच द वर्ल्ड कैन बी चेंज्ड, यानी कि आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एजुकेशन एक्ट्स एज अ मीन, मतलब इस, ये एक मीडियम है, इस मीडियम के जरिए हम सोसाइटी को चेंज करते हैं। ठीक है, एजुकेशन इज द लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए एक लैब है, वर्कशॉप है, क्या, एजुकेशन, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, ये यहाँ पे डेवलप करता है। लैब में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोविड का वैक्सीन लैब में डेवलप होता है और जब ये अप्लाई होता है तो सभी का अच्छा होता है, वैसे ही सोशियोलॉजी अगर कुछ अच्छा प्रैक्टिस लाना चाहता है तो एजुकेशन पे वो एक्सपेरिमेंट करता है और एजुकेशन के थ्रू अप्लाई करता है इन द वर्ल्ड, सो दैट द वर्ल्ड कैन बी चेंज्ड, सोसाइटी कैन बी चेंज्ड। ठीक है, सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू असर्टेन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एजुकेशनल सिस्टम व्हाइल एजुकेशन अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग। याद रखिए ये वाला इंपॉर्टेंट चीज, कह रहा है कि सोशियोलॉजी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, कुछ काम करता है बाय द एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि वो चाहता है, सोशियोलॉजी चाहता है कि एजुकेशन कुछ सर्टन फंक्शंस उनको दिया गया है, जैसे कि टू एडुकेट अ चाइल्ड, टू नरिश अ चाइल्ड, टू डेवलप इनहेरेंट पोटेंशियलिटीज अमंग द चाइल्ड, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द सोसाइटी, टू मॉडिफाई द सोसाइटल चेंजेस और टू बी एन एजेंट ऑफ सोसाइल सोशल चेंज। ठीक है, तो ये सारे जो नॉर्म्स होते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, वो सोशियोलॉजी चाहता है कि एजुकेशन उसको परफॉर्म करे। ठीक है, वेल एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या करेगा, एजुकेशन अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी टू इंप्रूव इट्स फंक्शनिंग। दो चीजें देखिए यहाँ पे, सोशियोलॉजी चाहता है यानी सोशियोलॉजी कहता है कि एजुकेशन क्या करेगा, कुछ फंक्शंस हैं एजुकेशन का सोसाइटी में जो उसको करना है, क्या करना है, एडुकेट करना है, इंप्रूव करना है, इरेडिकेट करना है, डेवलप कराना है। ठीक है, वैसे ही एजुकेशन क्या करता है, ये सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके अपने सिस्टम को और भी इंप्रूव करने की कोशिश करता है और भी फंक्शनिंग करने के लिए कोशिश करता है। अब आते हैं सीधा कि रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, मतलब कि सोशियोलॉजी का काम क्या है एजुकेशन में। सो सोशियोलॉजी डिसाइड करेगा एजुकेशन का क्या एम रहेगा, क्या करिकुलम रहेगा, क्या मेथड्स रहेंगे, रोल ऑफ लर्नर क्या रहेगा, रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हो सोसाइटी में, एजुकेशन पढ़ाते हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्कूल आप चूज कर लीजिए थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं पे भी पढ़ाइए, यू मस्ट नो द सोसाइटी वेर यू आर टीचिंग। मान लीजिए जैसे मैंने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ा रहे हो, तो वहां का सोसाइटी जैसा है आपको वैसे पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट के साथ वैसे डील करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कोई
सिटी में पढ़ा रहे हो तो उसका तरीका अलग होगा, कहीं रूरल एरिया में पढ़ा रहे हो तो अलग होगा, ट्राइबल एरिया में पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल अलग होगा। इसका मतलब है द सोसाइटी विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू टीच, व्हाट इज योर एम ऑफ टीचिंग, व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ दिस सोसाइटी, व्हाट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजीज यू विल अप्लाई, व्हाट स्टूडेंट विल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, ठीक है। ये सब कुछ सोशियोलॉजी डिसाइड करेगा, यानी सोसाइटी डिसाइड करेगा एजुकेशन के लिए। क्लियर है? तो एक बार यस लिख दीजिए, सोशल चेंज पे चलेंगे। ओके गुड, अब चलते हैं सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या है? देखिए सोशल चेंज मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स है नहीं, जहां पे होगा मैं बता दूंगा। मैंने कहा था यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन एनालिसिस में जाता है और वही क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में पूछता है। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा तो आप एनालाइज कर पाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे। सो सोशल चेंज मीन्स इट रेफर्स टू अ सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न्स एंड कल्चर इंक्लूडिंग नॉर्म एंड वैल्यूज। याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अल्टरेशन ओवर टाइम, यहाँ पे टाइम पे देखा आपने और बिहेवियर पे देखा, फोकस किया, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, कल्चर हो सकता है, ठीक है। यानी कि सोशल चेंज का मतलब है जो टाइम के बदलते जो हम चेंज देख रहे हैं, जो अल्टरेशन देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, किसमें? बिहेवियरल पैटर्न में, बिहेवियर में और कल्चर में, इंक्लूडिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, इसको हम सोशल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मतलब 1 साल में आप चाहे अपने लिए, चाहे अपने दोस्तों के लिए, चाहे फैमिली के लिए, चाहे आपके ऑफिस में, कितने बार आप लोग केक कटिंग करते हो, यानी सेलिब्रेशन विद अ केक, ये कल्चर कितने टाइम हुए ये डेवलप हुआ है? क्या ये पहले से था? क्या हम इतनी बार और इतना मतलब हैवी अमाउंट से केक कटिंग करते थे वगैरह वगैरह, पार्टी पॉपर वगैरह वगैरह, ये नहीं करते थे, ठीक है। तो मतलब कि हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है, हमारा जो बिहेवियर, जैसे कि पहले कहते थे कि फेस टू फेस बातें करते थे, लेकिन अब फेसबुक पर बातें करते हैं, यानी कि द बिहेवियर पैटर्न हैज चेंज, कल्चर हैज चेंज, एवरीथिंग हैज बीन अल्टर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए बचपन में आपको कभी कभी अगर ऐसे फील हुआ होगा कि चलो बचपन पे वापस चले जाते हैं, लेकिन बचपन में वापस जाने का मतलब है समय के साथ पीछे जाना, और ये समय जो है कुछ दे रहा है कुछ ले रहा है। आई थिंक यू ऑल विल अग्री विद मी कि एक जमाना था जब आप बिना टेंशन के, बचपन में तो बिना टेंशन ही होता है, लेकिन उस जमाने का जो हवा था, उस जमाने का जो वेदर था, उस जमाने का जो बात था, वो कुछ अलग ही था। सभी के बचपन की बात कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बचपन ही मेमोरेबल है, बट उस वो जो टाइम है वो मेमोरेबल है, क्योंकि वो सब कुछ चेंज हो रहा है। पहले इंसान इंसान हुआ करते थे, अब इंसान हैवान हुआ करते थे, ठीक है। आप पहले क्या करते थे? बहुत कम गाड़ी देखा करते थे, अब गाड़ी मतलब आपको साइकिल ढूंढना पड़ता है कि शायद कोई साइकिल निकल के चला जाए, साइकिल काउंट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब व्हीकल्स, पॉल्यूशन, एवरीथिंग एंड द सोशल बिहेवियर। पहले क्या होता था? सब कुछ ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। आज भी हम जब साउथ की मूवीज देखते हैं तो अच्छा क्या लगता है पता है? रिलेशन, उनमें रिलेशन अच्छा होता है, उनमें जो अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, जो कि बाकी सब फिल्मों में नहीं होता है, बाकी सब रियल लाइफ में नहीं होता है। सो व्हाट वी आर लूजिंग टुडे, हम क्या खो रहे हैं? हमसे हम खो रहे हैं सोसाइटी, हम खो रहे हैं सोशल रिलेशनशिप, और दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोशल चेंज। सोसाइटी में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंज हमें अभी दुख रहा है ना, वो होता है सोशल चेंज। हाँ ये नहीं होता है, सोसाइटी सोशल चेंज इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा मोबाइल फट गया बच्चे के हाथ में, कहीं पे जल गया है, कहीं पे मोबाइल पे कुछ कोई कोई कॉल आ रहा है और सारे पैसे चले जा रहे हैं, मतलब बीच में ब्लू व्हेल गेम आया था, मतलब क्या क्या नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या आ रहा है? पॉजिटिव में बच्चे अभी जो लिटरेसी रेशियो बढ़ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन आगे जा रहे हैं, सभी में टॉप कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी हो रही है, तो अब सभी को अगर हम मिला दें तो सोशल चेंज बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अभी मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं मीनिंग है, याद रखिएगा। सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक चीज पूछा जा सकता है, सोशल चेंज किताब किसने लिखा था? द बुक सोशल चेंज वॉज ऑथर्ड बाय W.F. ओगबर्न इन 1922।
डब्ल्यू एफ ओगबन जो है 1922 में इस किताब को उन्होंने लिखा था। अकॉर्डिंग टू मजूमदार, सोशल चेंज मे बी डिफाइंड एज अ न्यू फैशन और मोड, इधर मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग द ओल्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल और इन द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। सोशल चेंज का मतलब है कोई भी नया फैशन, कोई भी नया मोड जब आता है हमारे लाइफ में, या तो पुराने को हटा के नया वाला, या तो पूरा थोड़ा सा मॉडिफाई करके। पहले पूजा करने का तरीका अलग था, आज पूजा करने का तरीका अलग है। पहले खाने का जो आपका टाइमिंग, खाने का स्टाइल, जैसे आप लोग जो चपाती दाल वगैरह खाते थे, आज वो मतलब वही राइस है लेकिन फ्राइड राइस है। पहले दाल हुआ करता था, अब दाल मखनी है। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है, सब चीजों में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है या तो रिप्लेस हो रहा है। ये सारे चीजों को हम लोग सोशल चेंज कहेंगे। या तो सोशल चेंज यहाँ पे मजुमदार ने कहा कि दो तरीके से होता है, या तो इन द लाइफ ऑफ पीपल यानी कि जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में चेंज हो सकता है, या तो ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के काम करने के तरीके में चेंज आ सकता है, या तो लोगों के लाइफ में चेंज आ सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा सोशल चेंज रेफर्स टू अ प्रोसेस रेस्पॉन्सिव टू मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, टू चेंजेस इन द मैनमेड कंडीशंस ऑफ लाइफ, टू चेंजेस इन द एटीट्यूड बिलीफ ऑफ मेन, एंड टू द चेंजेस दैट गो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ थिंग। यहाँ पे इन्होंने इसको सोशियोलॉजी से लेकर के फिजिकल साइंस तक इन्होंने स्प्रेड कर दिया। ये कहा कि इन्होंने कहा सोशल चेंज जो है ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत प्रकार के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या तो वो चेंजेस इन मैनमेड कंडीशन हो सकता है, यानी कि हमने जो खुद बनाया, जैसे पोल्यूशन हमने खुद बनाया, गाड़ी मोबाइल ये सब हमने बनाया, रेडिएशन हमने बनाया, ठीक है, अपने खुद के बीमारी के लिए जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, पॉलिथिन्स यूज कर रहे हैं, वो खुद हमने मैनमेड खुद ही बनाए हैं ये सब। तो जो कंडीशन हम खुद अपने लिए बनाते हैं वो भी चेंज है। चेंज इन द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ मैन, हम जो एटीट्यूड एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग बींग्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रीज, एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स यू नो मेनी थिंग इन लाइफ, तो जो भी आप देखते हो ये सारे होते हैं चेंज इन एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ मैन, ये भी चेंज है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, चेंजेस दैट गो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, यानी कि जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि हीट बढ़ रहा है अभी, हीट वेव चल रहा है अभी, ठीक है, ये आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर पेड़ लगा देंगे, आप जब पेड़ लगाओगे वो पेड़ बढ़ते बढ़ते आप नहीं रहोगे इस दुनिया में देखने के लिए कि आपके पेड़ की वजह से क्या चेंज आए, बट हम ये कर सकते हैं, हाँ पेड़ लगा सकते हैं लेकिन काट भी नहीं सकते। मतलब कि हमें दो चीजें करना है, सिर्फ पेड़ लगा देने से, पौधे लगा देने से नहीं होगा, पेड़ पौधे लगाएंगे और काटने से रोकेंगे, और उस पेड़ पौधे लगा करके फोटो खींचने के बाद चले जाएंगे, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होता है, एंड वो जो कि बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल नेचर ऑफ थिंग, इसमें भी हो सकते हैं चेंज। ठीक है, तो दीज ऑल इंक्लूड व्हाट वी कॉल एज चेंज। ठीक है, अब आते हैं सोशल कंट्रोल। अब आपके सिलेबस में देखिए सोशल कंट्रोल का क्या मतलब है। सोशल कंट्रोल आपने अभी देखा, सोशल चेंज, चेंज कब करेंगे, जब हमें नीड होगा, जब हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ चेंज होना है। और कहीं कहीं पे ऐसा लग सकता है कि इसको हमें बरकरार रखना चाहिए हमारे सोसाइटी में, जैसे कि वैल्यूज हमें बरकरार रखना चाहिए, जैसे कि हमारा कल्चर हमें बरकरार रखना चाहिए, आगे भी बढ़ावा देना है। तो सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर ऑर्डरली सोशल लाइफ, सोसाइटी में कंट्रोल चाहिए। ठीक है, अगर कंट्रोल, जैसे कि पुलिस होते हैं, आर्मी होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, टू मेंटेन डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अगर हमें एक ऑर्डरली एंड सोशल लाइफ मेंटेन करना है, देन वी हैव टू अप्लाई सोशल कंट्रोल, वी नीड टू हैव सोशल कंट्रोल, सोसाइटी हैज टू रेगुलेट एंड पैटर्न इंडिविजुअल बिहेवियर टू मेंटेन नॉर्मेटिव सोशल ऑर्डर, यानी कि हमें इंडिविजुअल बिहेवियर को एक नॉर्म, यानी कि सभी को कंडीशन के थ्रू हमें क्या करना है, उनको रेगुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में कोई अपराध करने से पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि देर इज सम लॉ, देर आर पुलिस, देर आर यू नो मेनी फोर्सेस दैट कैन बी हार्मोनियस फॉर द यू नो थीव्स दैट कैन बी डेंजरियस एज वेल। तो इसका मतलब क्या है, जब आप कोई गलती करते हो, या फिर गलती करने जा रहे हो, या फिर सोच भी रहे हो, आपके दिमाग में कुछ डर आ जाता है। वो डर क्यों आता है पता है, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कुछ गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये आपको पता है। सो दैट इज हाउ दीज आर नॉर्म्स। अगर ये सारे नॉर्म्स को आप मेंटेन करोगे तो इंडिविजुअल बिहेवियर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू
मॉरिस जोनोविट्स सोशल कंट्रोल फोकसेस ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट इटसेल्फ। सोशल कंट्रोल किस पे फोकस करता है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी जो उसको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, सोशल कंट्रोल हेल्प्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स बाय सीइंग टू इट दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम विच में लीड टू अ काइंड ऑफ अनार्की और डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोशल कंट्रोल को समझने के लिए। सोशल कंट्रोल को एक ही वर्ड में कहा गया है यहाँ पे, को एग्जिस्टेंस, मतलब हम भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने का जगह देंगे। ऐसे नहीं कि मेरा फ्रीडम है, मैं यहाँ वहां कहीं पे भी मैं हाथ घुमाऊं, कहीं पे भी मैं चप्पल फेंकू, थूकू, कुछ भी करूं, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। देखिए, आपका फ्रीडम इसके नाक में घुस रहा है, इसका मतलब है आप अपना फ्रीडम एंजॉय करें, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का जो फ्रीडम है उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हो। आप उसके इमोशन को, उसके फ्रीडम को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल्स आर अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू अ काइंड दैट एनार्की एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी वो ना आए। बस आपको अपने फ्रीडम को एंजॉय करना है, बस एनार्की यानी जिसको कहता है ना कि मोनार्की होता है, एनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, तो वो ना आए सोसाइटी में। सोसाइटी शुड गो डेमोक्रेटिकली एंड वेरी स्मूथ। ठीक है, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल कौन कौन है, देखिए फैमिली है, नेबर है, पब्लिक ओपिनियन है, ये सारे सोशल कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। कुछ फॉर्म्स होते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो कुछ थ्योरीज होते हैं, जिसके आधार पर सोशल चेंज होता है। तो सोशल चेंज इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, या फिर इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ सोशल चेंज कह सकते हो। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। ये किस चीज में चेंज की बात कर रहा है, ये जो चेंज होगा सोसाइटी में, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी में अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, ट्रेड वगैरह में चेंज आता है, तो इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ चेंज और इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ चेंज। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल चेंज, इट इंक्लूड चेंज इन पॉलिटिकल पावर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। पॉलिटिकल चेंज तब होता है जब पॉलिटिकल पावर चेंज होता है, स्टेट एंड स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बदलाव आता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट इज पॉलिटिकल चेंज। नेक्स्ट इज रिलीजियस, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड रिफॉर्म इन प्रैक्टिस। रिलीजियस बिलीफ में चेंज हो रहा है, जैसे कि पहले क्या करते थे, हम लोग पेड़ पौधों को पूजा करते थे, अब जीता जागता भगवान को भी हम पूजा करते हैं, जो बाबा जी, माता जी, ये वगैरह हम जो पूजा करते हैं वो हमारा प्रैक्टिसेस होता है, यानी कि रिलीजियस बिलीफ होता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होता है, जिसको हम लोग रिफॉर्म भी करते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज मोरल फॉर्म ऑफ सोशल चेंज, मोरालिटी में चेंज आता है, चेंज इन वैल्यूज, थॉट, बिलीफ ऑफ ह्यूमन बींग। क्योंकि देखिए इंसानों में कितना बदलाव आया, पहले क्या हुआ करता था, आपके घर में कोई चीज आज नया पक रहा है तो आप अपने पड़ोसी को बांटते थे, वो जब कुछ नया बताते थे तो आपको बांटते थे। आजकल क्या हो रहा है, घर के सामने जो रह रहा है उसका नाम तक नहीं पता हमें, लेकिन दूर बैठे कोई फेसबुक पर हमारा दोस्त है, ऑस्ट्रिया में बैठा है हमारा, मतलब हम उनसे बातें कर रहे हैं, घर के सामने कौन है हमें नहीं पता। सो आवर थॉट्स हैव चेंज्ड, आवर बिलीव हैव चेंज्ड, आवर वैल्यूज हैव चेंज्ड। ठीक है, तो ये भी सोशल चेंज ही है। नेक्स्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन इनोवेशन एंड इन्वेंशन टू मेक आर लाइफ मोर कंफर्टेबल। मैंने कहा था टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एनीथिंग दैट मेक्स आर लाइफ कंफर्टेबल। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारा लाइफ जो है वो और भी बेहतर बनता जा रहा है, कंफर्टेबल बनता जा रहा है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोशल चेंज, इट इंक्लूड चेंज इन सोशलाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के वजह से जो हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, लाइफ स्टाइल है, जो है वो सभी चेंज हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल सोशल चेंज। नेक्स्ट इज लीगल सोशल चेंज, चेंज इन लॉज एंड प्रैक्टिसेस टू मेक आर सोसाइटी सेफ। हमारे जो लॉज बन रहे हैं, मतलब अपराधियों को अपराध से रोकने के लिए नए नए साइबर लॉज बन रहे हैं, ठीक है, और कुछ नए लॉज मॉडिफाई हो रहे हैं, और भी मतलब लोगों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपराध से बहुत कठिन जो धाराएं बनाए जाते हैं, ये सब लीगल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, फर्स्ट इज योर डेमोग्राफिक फैक्टर। देखिए सोसाइटी में चेंज हो रहा है, यानी कि आपके पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, जैसे कि
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में हो रहा है, जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मतलब किल्लतें चल रही हैं, यानी कि बहुत सारी कमियां चल रही है, जैसे कि वाटर स्कैर्सिटी, फूड स्कैर्सिटी, लैंड स्कैर्सिटी, और लैंड के वजह से जो हम पेड़ काट रहे हैं उसके वजह से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो डेमोग्राफिक फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है इसके वजह से भी सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आ रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर डेफिनेटली, जैसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, तो टोटल पॉपुलेशन जो है उसके हिसाब से हमारा जो टोटल इनकम है वो कम पड़ जा रहा है, तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर भी एक सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जितने जॉब करेंगे उतना ज्यादा हमारा रेमुनरेशन जितना और हमारा जो नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। नेगेटिव ये होता है कि सभी एसेट नहीं होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी होते हैं जिसके वजह से इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर, यू नो वेरी वेल सोसाइटी में पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो सोसाइटी चेंज होता है। कल्चरल फैक्टर, कल्चर भी हमारे सोसाइटी को चेंज लाता है। देन एजुकेशनल फैक्टर डेफिनेटली, लास्ट वन इज एजुकेशनल फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे कल्चरल लैग पर। व्हाट इज कल्चरल लैग? अभी मैंने कहा द वर्ड कल्चरल लैग वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू एफ ओगबर्न, जिन्होंने सोशल चेंज का किताब 1922 में लिखा था, ठीक है? डब्ल्यू एफ ओगबर्न इज इंपॉर्टेंट नेम, इसे याद रखिएगा। सो व्हाट इज कल्चरल लैग देन? इट रिफर्स टू द गैप बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द बैकवर्डनेस ऑफ कल्चर टू कैच अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि अगर ये हम हैं, ह्यूमन है या फिर सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, हम पीछे हैं, यानी कि वी लैग बिहाइंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो पीछे रह गया है, वो अभी तक यहाँ तक कैचअप नहीं कर पा रहा है। गैप बिटवीन मैटेरियल डेवलपमेंट एंड नॉन मैटेरियल डेवलपमेंट, यस। तो ये क्या है मैटेरियल डेवलपमेंट? ये है नॉन मेटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये पीछे रह गया है और ये आगे चला गया है। ये जो गैप है इसी को हम क्या कहते हैं? कल्चरल लैग। सिविलाइजेशन लैग्स टू, सिविलाइजेशन मतलब हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन या तो नॉन मेटेरियल, ठीक है? सिविलाइजेशन लैग्स बिहाइंड द विद लैग्स टू फाइंड द ट्यून विद द वेल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड दस अ गैप अराइजेस। सिविलाइजेशन लैग कर रहा है और ये ट्यून नहीं पकड़ रहा है, पीछे रह रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, इसीलिए एक गैप अराइज कर रहा है, और उस गैप को हम लोग कहते हैं कल्चरल लैग। क्लियर? अब हम चलेंगे सीधा प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ये जो सोशल चेंज है ये ओवर द नाइट प्रोसेस नहीं है, और ये डायरेक्टली ऐसा भी नहीं है कि आपने सोच लिया और सोसाइटी में चेंज आ गया, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है? तो इस ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं? चेंज इन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि हमें कुछ अलग लगता है। जैसे हमें लगता है, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मतलब मान लीजिए आप डेली डेली सिर्फ मतलब रोटी खाना पसंद करते हो, ठीक है? अगर आपको कभी मतलब जो रोटी की जगह कुछ और मिल जाता है तो आपको क्या लगने लगता है? इज समथिंग चेंज्ड, ठीक है? तो जो चेंज फील होता है, देन यू थिंक अबाउट चेंजिंग समथिंग। यानी कि सोसाइटी में अगर हमें कुछ गलत लगता है तो ये चेंज हम लाने की कोशिश करते हैं। सो चेंज इन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, कुछ चेंज अगर आपको फील होता है तो पहले मतलब कहते हैं ना, पहले इंट्यूशन आता है देन चेंज आता है, तो ये इंट्यूशन स्टेज है, ठीक है? यहाँ पे आपको चेंज महसूस होगा कि यहाँ पे चेंज जरूरी है, ठीक है? मतलब ये जो चेंज हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये जब आपको लगेगा तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट है चेंज इन एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि सबसे पहले आपने, सपोज से फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल चेंज लाना है सोसाइटी में, सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस में चेंज लाओगे, देन आपके एटीट्यूड में चेंज लाओगे, चेंज एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, देन चेंज इन थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल, आपके थिंकिंग में चेंज लाओगे, देन चेंज इन सोशल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। खुद सोच रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करोगे उस चेंज के तरीके से। नेक्स्ट इज चेंज इन सोशल रिलेशन, अब सामाजिक जो रिलेशनशिप है उस पर भी आप चेंज लाओगे, देन चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाओगे, फाइनली यू विल अचीव सोशल चेंज। आई होप द डायग्राम इज क्लियर। अब हम चलेंगे कुछ थ्योरीज पर, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। अब जो थ्योरीज हैं इनमें बहुत सारे थ्योरीज बन सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर नोटेड डाउन हियर। फर्स्ट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में सभी को पता है कि हाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग, हाउ द ह्यूमंस आर डेवलपिंग, ये सब पता है, और ये स्टार्ट हुआ था चार्ल्स डार्विन के साथ। चार्ल्स डार्विन इज द फाउंडर ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो इन्होंने कहा
द लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनके जो तीन प्रिंसिपल्स थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे इन्होंने ये थ्योरी दिया है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या मतलब है? जो फिट रहेगा इस चेंज के साथ, खुद को फिट कर पाएगा, वही सर्वाइव करेगा। जैसे कि अभी गर्मी बढ़ रही है, अगर आप फिट नहीं कर पाओगे अपने आप को तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्लाइमेट चेंज के साथ फिट रहना है, मतलब सोसाइटी के साथ आगे जाना है, तो आपको फिट रहना पड़ेगा हर एक चेंज से। यू हैव टू अडेप्ट द चेंज, यू हैव टू फिट योर सेल्फ विद द चेंज। इट बिलीव्स इन एडजस्टमेंट टू द डायनेमिक और चेंजिंग सोसाइटी। यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन द डायनेमिक और चेंजिंग सोसाइटी। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी कह रहा है। ये थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? नेक्स्ट आता है साइक्लिक थ्योरी। इवोल्यूशनरी तो पता है, आगे बढ़ रहा है सोसाइटी। साइक्लिक कह रहा है कि ये एक साइकिल है, साइकिल की तरह ये घूम रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ओसवल स्पैंगलर एंड पितरिम सोरोकिन वे द सपोर्टर्स। इसके सपोर्टर्स है ओसवल स्पैंगलर एंड पितरिम सोरोकिन, ये दो सपोर्टर्स है। सोसाइटी इज लाइक अ साइकिल एंड फोकसेस ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। मैंने इसको बस पॉइंट में जॉट डाउन किया है नटशेल में, ताकि आप याद रखो कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इससे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बस क्या है साइक्लिक सोशल चेंज, क्या है साइक्लिक थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, इसको बस समझना है, और इसके फादर कौन है। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर के दिया, इन्होंने कहा सोसाइटी एक साइकिल की तरह है जो कि कब राइज करता है तो कभी फॉल करता है, फिर से राइज करता है, फिर से फॉल करता है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसमें क्या होता है, रॉफ डेरेंडॉफ वॉज द सपोर्टर। इट हाईलाइटेड द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंस्टेबिलिटी, स्ट्रगल, सोशल डिसऑर्गन और डिसऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, कुछ मसला, कुछ प्रॉब्लम से ये डील करता है ये थ्योरी। ये कहता है कि हम उस पर फोकस करेंगे जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट लाता है, जैसे कि इंस्टेबिलिटी, स्ट्रगल, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल इवेल्स, ये सारी चीजों को ये डील करता है। लास्ट इज फंक्शनल और डायनेमिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इट इज एडवोकेटेड बाय टैलकॉट पार्सन। इन्होंने कहा सोसाइटी हैज द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट टू डिफरेंट चेंजेस। सोसाइटी के पास वो एबिलिटी होता है जिससे वो सोसाइटी के जो चेंजेस है उसके साथ ही साथ उसको एडजस्ट कर सके, अब्सॉर्ब करेगा वो सारे चेंजेस। यानी कि सोसाइटी सारे चेंजेस को स्टेबल कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो अब्सॉर्प्शन एबिलिटी होता है। हाँ, ये इसके सपोर्टर है, ठीक है ईशा? नहीं, ये इसके सपोर्टर है। रॉफ डेरेंडॉफ वॉज द सपोर्टर। इट वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इट वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कुछ थ्योरीज ऐसे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एल.एल. थर्स्टन का कौन सा थ्योरी था साइकोलॉजी में, बताइए मुझे, वहीं पे आप लोगों को एग्जाम्पल समझ आएगा। एल.एल. थर्स्टन, एल.एल. थर्स्टन ने कौन सा इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, याद है किसी को? नहीं याद है? यस और नो? ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, वेरी गुड लेटे ना। तो एल.एल. थर्स्टन को हम जानते हैं कि ग्रुप फैक्टर के थ्रू, ठीक है, लेकिन इसके एक्चुअल जो इनके जनक है ग्रुप फैक्टर को, वो हम मानते हैं सर सिरिल बर्ट, ठीक है, सर सिरिल बर्ट, ठीक है, बर्ट है। तो हम क्यों किताबों में या फिर आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो एल.एल. थर्स्टन क्यों लिखा जाता है, व्हाई? बिकॉज एल.एल. थर्स्टन मेड दिस थ्योरी पॉपुलर, बट सर सिरिल बर्ट हैज कॉइंड द थ्योरी, ठीक है? इन्होंने बस थ्योरी दिया था लेकिन इसने इसको पॉपुलर किया। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिया लेकिन इसको सपोर्ट करके पॉपुलर बनाया रॉल्फ डेरेंडॉफ ने। वैसे भी इन्होंने भी यहाँ पे इसको सपोर्ट ही किया है, ठीक है? यहाँ पे चार्ल्स डार्विन इसके फाउंडर हैं। अब फंक्शनल थ्योरी और डायनेमिक थ्योरी समझ में आया। ये कहता है कि सोसाइटी के पास वो एबिलिटी होता है कि वो सारे चीजों को अब्सॉर्ब कर सके हैं, ठीक है, यानी कि जो मतलब चेंजेस हो रहे हैं उसको वो स्टेबल कर पाएगा, उसको वो एडजस्ट कर पाएगा, वो एबिलिटी सोसाइटी के अंदर है। अब लास्ट में हम चलेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट कैसा है, एजुकेशन, वो देखेंगे, यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज, ठीक है? फर्स्ट है सोशल, सोसाइटी में अगर चेंज
को स्टेबलाइज करता है वो एजुकेशन होता है, स्टेबलाइजिंग इटर्नल वैल्यूज। वैल्यूज को वो स्टेबलाइज कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, चाहे तो डेवलप भी करा सकता है, जैसे कि वैल्यू एडेड कोर्सेस हो गए, या फिर आप लोगों का जो ईवीएस हो गया, या फिर आप लोग जो पढ़ते हो वैल्यू एथिक्स पेपर पढ़ते हो, वैसे ही वो स्टेबलाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। आपको पता है थ्रू एजुकेशन, थ्रू हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, हम हमारे सोशल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, उसके महिमा के बारे में सभी को बताते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए सबको कहते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और ये हमारा शान होता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजायरेबल कल्चर, ठीक है, हमारा जो डिजायरेबल कल्चर यानी व्हाट कल्चर वी आर डिजायरिंग, वी आर व्हाट टाइप ऑफ कल्चर वी आर लॉन्गिंग फॉर, तो ये सारे चीजों को हम ट्रांसमिट करने के लिए कोशिश करते हैं एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज डिसेमिनेशन ऑफ न्यू नॉलेज, मतलब कि न्यू नॉलेज को हम सब में बांटते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप रोल इन सोशल चेंज, क्योंकि एजुकेशन एक लीडर के तरह काम करता है सोसाइटिकल चेंज में। इवैल्यूएशन ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज को इवैल्यूएट करता है, जो प्रॉब्लम होता है उसे भी स्टडी करता है। एजुकेशन एक्सेलरेट सोशल चेंज, क्योंकि मतलब एजुकेशन ही वो एक फैक्टर है जो सोशल चेंज को या तो बहुत ही फास्ट, या तो बहुत ही फास्ट मतलब पॉजिटिव चेंज ला सकता है, नेगेटिव चेंज भी ला सकता है। यानी एक्सेलरेट यानी एजुकेशन वो है जो सोसाइटी के चेंज को कंट्रोल करता है, ठीक है। लास्ट इज एजुकेशन प्रिपेयर्स पीपल मेंटली फॉर सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज के लिए मेंटली लोगों को प्रिपेयर कराता है एजुकेशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एमसीक्यूज पर चले, देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या है क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। वेरी गुड जीता, पद्मावती, एलिसा, वेरी गुड टिकिना, गायत्री, ईशानी, सत्य, सरस्वती, लिटिना, पिंकिना, उदय, संतोष, मोनालिसा, दिलीप, टिकिली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये आंसर सभी का सही आया है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, आप क्या आंसर करिएगा कि स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, किसने कहा था, जॉर्जी पेन, टैलकॉट पार्सन्स, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, ओके वेरी गुड, संतोष, जीता, सत्य, एलिजा, टिकिना, ईशानी, लिटिना, टिकिली, बिबिस्मिता, दिलीप, पिंकिना, पद्मावती, बहुत अच्छे, वेरी गुड अंकिता एंड मोनालिशा। सो करेक्ट आंसर इज डी, मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर का डेफिनेशन है, मैंने कहा था डेफिनेशन जरूर एक पूछेगा सोशियोलॉजी से, जो जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इज फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बिलीव, तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज क्या बिलीव करता है, सोसाइटी हैज द पावर टू अब्सॉर्ब चेंज, सोसाइटल चेंज इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सोसाइटी इज फॉर द फिट, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड पद्मावती, ओके वेरी गुड संतोष, बिबिस्मिता, सत्य, ईशानी, दिलीप, पिंकीना, टिकली, एलिजा, जीता, टिकिना, सरस्वती, बहुत अच्छे। तो द आंसर इज ए, सोसाइटी हैज द पावर टू अब्सॉर्ब चेंज, ये कहता है फंक्शनल थ्योरी, इसको डायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहता है कि वो सारे चेंजेस को वो स्टेबलाइज कर सकता है और इसको कंट्रोल भी कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉइंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे, ये वर्ड हो जाएगा, हु कॉइंड द वर्ड और टर्म कल्चरल लैग, ठीक है, किसने कल्चरल लैग जो टर्म है वर्ड है वो दिया है, ओटावे, डब्ल्यू एफ ओकबर्न, किम्बल लियोंग, मैक्स वेबर, बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं, सो इट इज बी, डब्ल्यू एफ ओकबर्न इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जॉर्जी पेन, टैलकॉट पार्सन्स, ऑगस्ट कॉम्टे, किम्बल लियोंग, वेरी गुड, इसका तो सही आंसर सभी का आना है, बहुत अच्छे, गुड। तो चलिए सभी ने सही आंसर किया, ए इज द राइट आंसर, जॉर्ज ई पेन इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो कौन होगा, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी देन, वेरी गुड वेरी गुड, ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ एजुकेशन आई मीन सोशियोलॉजी, ठीक है, खूब बहुत अच्छे। सो थैंक यू ऑल, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू मे आस्क।